हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं HBSE 2019 सेट बी का सेक्शन डी। तो सेक्शन सी तक हमने कवर कर लिया था, तो मूव करते हैं सेक्शन डी पे। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 17 इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पे हमें तीन इक्वेशन गिवन है और हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पे हमने ए मैट्रिक्स सिलेक्ट किया, जो कोफिशियंट है एक्स के वो फर्स्ट कॉलम में, वाई के सेकंड कॉलम में और जेड के थर्ड कॉलम में, और बी रिजल्टेंट और एक्स। तो यहां से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये आपको पता होगा कि एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी के। तो बी तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड करते हैं। तो अगर एक्सपेंड करें इसको अलोंग आर वन, यानी कि रो फर्स्ट, तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, देखो टू एज इट इज, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट डिजिट, माइनस टू फोर, माइनस माइनस प्लस फोर, माइनस थ्री ब्रैकेट, सेकेंड कॉलम फर्स्ट डिजिट माइनस टू और माइनस थ्री तो माइनस फाइव, और प्लस थ्री ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट तो माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स तो क्या होगा प्लस टू। तो देखो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फोर और फोर एट, टू जा सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस फाइव, थ्री जा फिफ्टीन प्लस सिक्स, तो फिफ्टीन फिफ्टीन थर्टी, थर्टी वन और सिक्स थर्टी सेवन। तो आप सम कर सकते हो, तो ये क्या आएगा 37। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले फाइंड करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, इसके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो देखो ए वन वन की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट तो माइनस टू फोर, और प्लस फोर एट, तो ये आ गया 8। ए वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, लेकिन देखो 2 और 1 3 ओड है, इनकी पावर का सम, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 1 3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट तो माइनस फोर और प्लस सिक्स, तो प्लस सिक्स माइनस फोर यानी कि प्लस टू। ए टू वन, ए टू वन के लिए क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट तो थ्री टू जा सिक्स, यानी कि माइनस सिक्स, माइनस सिक्स और माइनस प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व, यानी कि ट्वेल्व में सिक्स गया सिक्स प्लस के, लेकिन यहां पे क्या है पावर, टू और वन थ्री ओड तो माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस सिक्स। ए टू टू, तो देखो ए टू टू की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट तो टू टू जा माइनस फोर और माइनस नाइन, माइनस फोर और माइनस नाइन क्या हो जाएगा माइनस थर्टीन। और ए टू थ्री के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सॉरी थर्ड कॉलम डिलीट तो टू फोर जा एट, यानी कि माइनस एट माइनस नाइन तो माइनस सेवनटीन, लेकिन पावर क्या है ओड तो प्लस, यानी कि साइन क्या हो जाएगा अपोजिट। उसके बाद ए थ्री वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट तो थ्री प्लस थ्री टू जा सिक्स, तो थ्री और सिक्स नाइन, लेकिन पावर क्या है थ्री और वन फोर, इवन है तो नाइन ही रहेगा। ए थ्री टू, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट टू टू जा, सॉरी टू वन जा टू माइनस थ्री, तो टू में से थ्री गया माइनस वन और पावर ई ओड तो प्लस वन। उसके बाद नेक्स्ट ए थ्री थ्री, लास्ट है ये, तो ए थ्री थ्री क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट तो टू टू जा माइनस फोर माइनस थ्री, तो यानी कि माइनस सेवन। तो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, डिटरमिनेंट क्या था हमारे पास 37, तो जो डिटरमिनेंट ए था वो था 37, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ए इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन 37, जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है ना, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो एट फाइव टू,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस सिक्स माइनस थर्टीन और सेवनटीन, माइनस सिक्स माइनस थर्टीन और सेवनटीन, और थर्ड रो थर्ड कॉलम नाइन वन और माइनस सेवन, नाइन वन माइनस सेवन। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ। तो जो एक्स वाई और जेड यानी कि एक्स मैट्रिक्स है वो इक्वल होगी वन बाय थर्टी सेवन, एट माइनस सिक्स नाइन, फाइव माइनस थर्टीन वन, टू सेवनटीन माइनस सेवन इन टू फाइव माइनस फोर थ्री। तो देखो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आठ पंजे चालीस, माइनस माइनस प्लस, छह चौके चौबीस और नौतिया सत्ताईस, और बार क्या है वन बाय थर्टी सेवन। उसके बाद पंजू पंजू पच्चीस, तेरह चौके बावन यानी कि प्लस फिफ्टी टू, और थ्री वन जा थ्री, फाइव टू जा टेन, सेवनटीन फोर जा माइनस सिक्सटी एट, और सात या इक्कीस माइनस इक्कीस। अब इनको ऐड करके मैं क्या सिंपली 37 से डिवाइड करना है। तो देखो 40 और 20 60, 64 प्लस 27, तो यानी कि 7 और 4 11, 6 और 2 8 एक 9, तो 91 बाय 37। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या होगा 25 और बावन और तीन पचपन, तो पचपन और पच्चीस अस्सी, अस्सी डिवाइड बाय थर्टी सेवन, ये आगे हमारे पास y की वैल्यू। और z की वैल्यू क्या होगी, तो देखो z की वैल्यू अड़सठ में से दस गया अट्ठावन, अट्ठावन और इक्कीस, तो अट्ठावन और इक्कीस, आठ एक नौ, पांच और दो सात, तो सेवनटी नाइन माइनस सेवनटी नाइन बाय थर्टी नाइन। तो ये आगे हमारे पास x, y और z की वैल्यू। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू हमारी राइट है या रॉन्ग। तो देखो x की वैल्यू आई है 80 बाय 37, सॉरी 91 बाय 37, y की वैल्यू 80 बाय 37 एंड z की वैल्यू माइनस 79 बाय 37। अब अगर हम इनको पुट करें इक्वेशन में, तो मैं यहां से रफ कर देता हूं। देखो अगर पुट करेंगे इक्वेशन में, लेट से सेकंड में पुट करते हैं, तो x यानी कि 91 बाय 37 माइनस 2 इंटू 80 बाय 37 प्लस z यानी कि माइनस 79 इज इक्वल टू माइनस 4 होना चाहिए हमारे पास, माइनस 4 चाहिए। तो देखो 91 ये तो सेम है, 37 तो सेम है, इसको बाद में देख लेंगे। देखो 91 माइनस 160 और माइनस 79, तो यानी कि 9 सात और छः 13, तो माइनस 239 और प्लस 91, तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ बच गया 13 में से 9 गया 4, तो 148 माइनस के। अब अगर हम इसको 37 से डिवाइड करें, तो 37 4 जा सात चौके 28, दो चार तीन 12 और दो 14, यानी कि 148 माइनस 4, यानी कि जो हमने ये वैल्यूज फाइंड किया है वो क्या है राइट। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि जो वैल्यूज हमें फाइंड किया है वो राइट है या रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मुझे डाउट हुआ कि यार 91 बाय 37 कैसे आ गया, एग्जैक्ट कटना चाहिए था, लेकिन बाद में जब इक्वेशन में पुट करके देखा तो वैल्यू क्या रही है राइट। तो ये थी हमारी वैल्यूज 91 बाय 37, 80 बाय 37 एंड माइनस 79 बाय 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th इज, तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। वी हैव टू बेसिकली फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस एलिप्स। तो देखो एलिप्स के लिए इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे ए स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है बी स्क्वायर से, तो एलिप्स कैसी बनेगी, ये एक्स एक्सिस के लिए, यानी कि एलिप्स कुछ ऐसी बनेगी। देखो ये एलिप्स बनेगी और यहां पे अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसका एरिया।
तो अगर आप एक वर्ड इसको मान लो, एक क्वाड्रेंट को मान लो, तो अगर आप इसका एरिया फाइंड कर लो तो उसकी फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा। अब ये पॉइंट क्या होंगे, तो यहां पे देखो y तो 0 है, तो यानी कि 0, और x क्या होगा, ये a, a क्या है, 4 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या होगा, तो ये माइनस फोर जीरो, ये 0 और 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये 0 माइनस 3। तो अब हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को सोल्व करते हैं और इससे जो एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन y dx, लेट से थिन स्ट्रिप मानी हमने dx विड्थ की, तो इंटीग्रेशन y dx लिमिट क्या होगी, 0 से 4, ये एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा एलिप्स का। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब पहले तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो y स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16, तो एलसीएम 16 और ये 16 एलसीएम। अब 9 उस साइड जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और y क्या होगा, स्क्वेयर रूट, तो देखो 9 का स्क्वेयर रूट 3, 16 का 4, और स्क्वेयर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास। अब बस y की वैल्यू को हमें क्या है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इन 4 इंटू 3 बाय 4, क्यों, ये तो कॉन्स्टेंट है, 0 से 4 इंटीग्रेशन 4 स्क्वेयर यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, 4 से 4 कैंसल, बाहर आ गया 3। अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीएक्स, तो ये होता है 1 बाय 2 एक्स अंडर रूट ये टर्म एज इट इज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी। प्लस सी याद रहता है वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो ये होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1 बाय 2 एक्स क्या हमारे पास एक्स, अंडर रूट वो टर्म क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वेयर है, प्लस ए स्क्वेयर, ए क्या है 4, 4 का स्क्वेयर 16, 16 बाय 2 8, और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, और लिमिट क्या है 0 से 4। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो सिंपली लिमिट पुट करनी है, यहां पे देखो 4 रखेंगे तो ये तो फर्स्ट टर्म तो 0, यहां पे 4 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, और साइन 1 किस पे होता है, पाई बाय 2 पे, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8 पाई बाय 2 माइनस 0 रखेंगे तो ये देखो x किस जगह पे 0, तो ये 0, और 0 रखेंगे तो ये 0, तो 2 4 यानी कि 4 3 जा 12, तो 12 पाई स्क्वेयर यूनिट क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया गिवन एलिप्स के लिए। बस आपको एक तो एलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि एलिप्स किस तरह का बनेगा, उसके बाद अगर आपको एक फॉर्मूला पता है ये जो हमने लास्ट में यूज किया, तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो क्या आ गया इसका एरिया होल एलिप्स का 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज, देखो इसमें और में भी गिवन है तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, ये सेकंड पार्ट वाला ये तो लगभग हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इज दिस एंड आर वेक्टर इज दिस, तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेट से डी, उसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर होल मॉडुलस, तो यह था हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब देखो बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर पहले फाइंड करते हैं, तो ये क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप, बी वैक्टर के लिए बी वन ये यानी कि 1 माइनस 1 और जे के कोफिशियंट 1, और यहां पे 2 1 2 2 1 2, तो अगर एक्सपेंड करें अलोंग आर वन तो आई कैप ब्रैकेट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और डिलीट माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस जे कैप ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 2 माइनस 2 तो 0,
और प्लस के कैप ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो 2 प्लस 2, तो देखो 1 प्लस 2 तो यानी कि 3, तो वैल्यू आ गया मेरे पास -3 आई कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18, तो स्क्वायर रूट 18 ये हो जाएगा। तो अगर वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप डॉट। अब ए टू माइनस ए वन वैक्टर क्या होगा, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, तो देखो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो आई कैप माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j और माइनस के माइनस 2k ये आ गया हमारे पास। तो माइनस थ्री आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाय अंडर रूट 18। तो देखो 3 की 1 से माइनस 3 और k तो 0 है तो इसके लिए 0 और 3 2 जा 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 18, तो माइनस 9 बाय अंडर रूट 18। लेकिन देखो मॉडुलस है, यहां पे मॉडुलस का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए क्या हो जाएगा 9 बाय अंडर रूट 18। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 जा 9 9 2 जा 18, तो यानी कि 9 बाय 3 रूट 2, 3 जा 9 तो यानी कि 3 बाय रूट 2, ये क्या आ गया हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया गिवन लाइंस के लिए। ये तो था हमारा फर्स्ट में। और अगर और वाला क्वेश्चन करे तो और वाला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज गिवन पॉइंट्स। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1, और अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आप कहोगे कि यहां पे इनफाइनाइट प्लेन्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सपेंड करिए अलोंग आर वन, तो फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट डिलीट -2 और -2 तो -4, -1 ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम डिलीट तो -1 और +2 तो -4 और 2 में से 1 गया 1 तो यानी कि -1 तो -5 यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहां पे एक यूनिक प्लेन एग्जिस्ट करेगा और उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो उस प्लेन की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, देखो उसके लिए होगा कि डिटरमिनेंट x माइनस एक्स वन, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये जेड वन, ये एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन और वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन का डिटरमिनेंट इक्वल होगा 0 के, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी गिवन प्लेन की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th इज सोल्व द फॉलोइंग LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जेड इज इक्वल टू 4x + y को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, जहां पे सब्जेक्ट क्या हमारे पास, टू कॉन्ट्रास्ट एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, 3x plus y is less than equals to 90 and x and y is greater than equals to 0। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, तो देखो x plus y कलेक्ट करते हैं 50, तो यहां से x और y की वैल्यू आएगी। अब अगर हम क्या करें, x को 0 रखे, देखो x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 50 और y को 0 तो x 50 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो एक्स वाई, अब अगर वाई को 0 रखे तो एक्स क्या आएगा 30, ठीक है, और अगर एक्स को 0 रखे तो वाई क्या आएगा
एक्स जीरो तो वाई 90, ये आ गया हमारे पास। तो अब ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। जो एक डब्बा होगा उसको मान लेते हैं 10 यूनिट, ठीक है। तो एक बॉक्स हमने मान लिया 10 यूनिट, तो यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये आ गया हमारे पास 90 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिख सकते हो आप इसको। उसके बाद देखो पहले इस इक्वेशन को शो करते हैं, तो 0, 50 यानी कि 0, 50 है रहा, और 50, 0 तो 10, 20, 30, 40, 50 तो 50, 0 तो यहां से एक कर्व बनेगी यानी कि एक लाइन जाएगी, ये आगे हमारे पास लाइन। अब इसको किस तरफ का एरिया ये कवर करेगी उसको देखते हैं। तो उसको कैसे चेक करते हैं, आप x और y की जगह पे 0 पुट करो इस इक्वेशन में। तो 0 प्लस 0 50 से स्मॉल है, तो यस ऑब्जेक्ट राइट है, तो यानी कि टुवार्ड्स सेंटर, तो सेंटर की तरफ ये कवर करेगी अपना एरिया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लाइन 30, 0, 30, 0 और 0, 90 यानी कि 0, 90 तो यहां पे कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसको हम मिलाए कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। अब अगेन यहां पे x और y को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 प्लस 0 90 से स्मॉल है, तो यस, तो ये भी क्या करेगी इनवर्ड यानी कि टुवर्ड्स सेंटर एरिया कवर करेगी। अब इन दोनों कर्व में और x ग्रेटर देन 0 यानी कि ये x ये 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर, तो 0 यहां पे इससे इस साइड और y के लिए ऊपर, तो यानी कि हमारे पास ये एरिया आएगा। अब इसमें इन सभी में कॉमन क्या है, तो ये कॉमन है हमारे पास, तो ये पॉइंट हमें पता है 30, 0, ये पता है 0, 50, ये 0, 0, बस अब हमें इनका इंटरसेक्शन और फाइंड करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो 3x प्लस वाई इज इक्व टू 90 एंड x प्लस वाई इज इक्व टू 50। सबस्ट्रैक्ट करें अगर हम इनको, तो y से y कैंसल, तो 40 इज इक्व टू 2x, तो x क्या आ गया 20, और अगर x 20 आ गया तो y क्या होगा 30, पुट कर सकते हो आप इक्वेशन में। तो 20 और 30, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट्स, ये क्या है 20 और 30। अब सिंपली हमें क्या है एक टेबल बनानी है और उसमें वैल्यू पुट करेंगे x और y की, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही क्या आ जाएगा हमारे पास, वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो देखो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, यहां पे टेबल बनाता हूं, तो z इज इक्व टू 4x प्लस वाई एंड दीज पॉइंट्स या फिर वैल्यू, तो देखो पहला पॉइंट क्या हमारे पास 0, 0, 0, 0 पे, तो ये 0 ही हो जाएगी, तो उस पर चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 30, 0 तो 120 आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है 0, 50 तो यहां पे 0, 50 पे 50, और नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास 20 और 30, तो 24 जा 80 प्लस 30 यानी कि 110। तो अब आप क्लियर देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 120। तो हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट 30, 0 दिस लीनियर एलपीपी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एट 30, 0 ये कर्व क्या है या फिर ये एलपीपी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विद डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।